हेलो भाइयों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, हेलो हाय और कसकाए, सब कुछ मैं बोलकर आपका स्वागत कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने साझा रेडियो 90.8 एफएम पर और यस टीवी पर। बहनों भाइयों, क्या है कि दुनिया में आज त्योहार ही त्योहार चल रहे हैं। हालांकि कोरोना काल से लोग बोर होकर अब त्योहारों में काफी मशहूर हो गए हैं और हम ये जो त्योहार को मना रहे हैं बहुत अच्छे से मना रहे हैं, लेकिन त्योहारों को मनाने का मजा तब है जब हम त्योहारों की असली मतलब को समझें, एक दूसरे से प्यार करना सीखें। असल में क्या होता है कि हम त्योहार तो मनाते हैं लेकिन बहुत सारे हमारे जो अपने हैं उनसे हम रूठे रहते हैं, उनसे बरसों तक बात नहीं करते, उनसे हमेशा मतभेद बनाकर रखते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं कि आज जैसे भाई दूज का त्योहार लोग मना रहे हैं तो बस ये कि कई बहनें कहती हैं कि भाई हमारे भाई से तो कितने सालों से हमारी बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? भाई मुलाकात, बातचीत, अरे बचपन में साथ खेला करते थे, पढ़ा लिखा करते थे, कितना मजा आता था। और जब बड़े हुए तो अपने मतभेद जो है वो दीवार बन के खड़े हो गए। ये तो बहुत ही गलत बात है भाई। अपने आपसी मतभेदों को भुला देना चाहिए। दुनिया में कोई भी मतभेद ऐसा नहीं होता, कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती जिसे कि हम सुलझा न सके। ये तो वही वाली बात होगी भाई। एक इंसान जो है, एक सज्जन चश्मा लेने के लिए पहले अपनी आंखें टेस्ट कराने के लिए ऑप्टिशियन के पास गए। ऑप्टिशियन पहले से ही कुछ लोगों को देख रहा था, एक को बिठा रखा था कुर्सी पर, उसके आंखों पे फ्रेम लगाई, एक कांच डाला, बोला कि पढ़ा जा रहा है, तो उसने कहा नहीं। दूसरा चश्मा लगाया, यानी दूसरा कांच डाला, बोला पढ़ा जा रहा है, कह रहा थोड़ा थोड़ा। तीसरा कांच लगाया, कह रहा कि पढ़ा जा रहा है, कह रहा हाँ अब कुछ साफ हुआ। चौथा फ्रेम लगाया तो उसने कहा हाँ 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 अब तो बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। ऐसे दो तीन लोगों के साथ हुआ। अब ये जो सज्जन थे जो देख रहे थे ये सब होता हुआ, उनका भी नंबर आया, उनको कुर्सी पे बिठाया, सामने कुछ लिखा हुआ था, खैर फ्रेम लगा के एक चश्मा डाला, एक ग्लास डाला नंबर का, पूछा पढ़ा जा रहा है, कह रहा नहीं। दूसरा डाला, कह रहा नहीं। तीसरा डाला, कह रहा नहीं। चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, पंद्रह बदल दिए उन्होंने फ्रेम्स, कांच, और पूछा कि भाई पढ़ा जा रहा है, कह रहा नहीं। तब ऑप्टिशियन ने कहा कि पढ़े लिखे हो, कह रहा नहीं कहां से पढ़ा जाएगा। तो बहनों भाइयों, सब समझ समझ की बात है कि अगर हम रिश्तों को, प्यार को, अपनेपन को समझते हैं तो दुनिया हमारे लिए बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर हम अपने ही लोगों से लड़ाई करके मतभेद बनाए रखते हैं, जीवन भर उनसे बात नहीं करते, तो फिर ये त्योहार मनाने का भी क्या मतलब है। इसलिए बहनों भाइयों, अगर कोई मतभेद है, कोई लड़ाई है, उसे सुलझा लीजिए राउंड टेबल बैठकर, और हमेशा जिंदगी में खुश रहिए। कुड़ कुड़ करने में मजा नहीं आता, खुश रहने में ही मजा आता है। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में कुछ और बातें होंगी और होगा यही चैनल यस टीवी और होगा यही रेडियो स्टेशन साझा रेडियो 90.8 एफएम। फिलहाल आज के लिए नमस्ते।